हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज चौक नरेंद्र पे। जो आपका ब्राउज़र है दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स जो भी ब्राउज़र है, उसकी सेटिंग के अंदर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आता है, वो मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। आप देखिए, आपकी जो सेटिंग है उसके अंदर एक ऑप्शन आता है यूज़ हार्डवेयर एक्सेलरेशन विथ अवेलेबल। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, अनेबल डिसेबल। तो ये ऑप्शन किस काम आता है और इसका क्या लाभ है और क्या नुकसान है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसको शॉर्टकट में मैं आपको मेरी भाषा के अंदर समझाने जा रहा हूँ। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो जब भी आप कोई HD वीडियो प्ले करते हैं या ऑनलाइन इमेज का काम करते हैं, इमेज एडिटिंग का, तो आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। इसको ऑन करने पे जो आपका ये लोड है वो CPU से हटाकर GPU पे डाल देता है, यानी जो ग्राफिकल काम करते हैं, जैसे HD वीडियो प्ले करें 1080 पे, तो ये काम ग्राफिक कार्ड करने लगता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। चलिए मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको, और मैं इसको दोस्तों मैं एग्जांपल के लिए मोबाइल का उपयोग करूंगा, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ये ऑप्शन आपको दिखाऊं तो जो रिजल्ट है वो आपको ढंग से पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं मोबाइल से वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। फिर मैं बता देता हूं, अगर आप इसको अनेबल करते हैं तो क्या फ़ायदे हैं और डिसेबल करते हैं क्या फ़ायदे हैं। तो अनेबल करने आपको सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आप कोई HD वीडियो देख रहे हो तो आपके जो CPU है उस पर लोड कम पड़ेगा, GPU पे इसका प्रेशर आएगा और आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप कोई किसी बंदे की लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं जो गेम खेल रहा है, तो उसके फ्रेम रेट और आपको अच्छे देखेंगे आप इसको इनेबल करेंगे। इसके अलावा आपका GPU फ्री रहेगा, उस पर अतिरिक्त लोड नहीं आ रहा है। ये फायरफॉक्स और क्रोम के अंदर अवेलेबल आता है। अभी बात करते हैं दोस्तों डिसेबल की। डिसेबल करने से क्या नुकसान, अगर आपके पास कंप्यूटर में GPU नहीं है यानी ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो आप इसको डिसेबल ही रखें। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं फिर भी आप अनेबल करेंगे तो क्या होता है कि वो आपका हैंडल नहीं कर पाता है, ठीक है। जो आपके जैसे जो HD ग्राफिक होते हैं ना इंटेल के, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक APU है राइजन का, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये इसी के लिए आता है, अगर आप HD वीडियो देखने चाहते हैं तो आपके ग्राफिक कार्ड पे ये लोड डाल देगा और आपको अच्छा रिजल्ट देगा, आपका CPU फ्री रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि इसका अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसको ऑफ करने पर आपको CPU पे कितना प्रेशर आता है और ऑन करने पर कितना प्रेशर आता है। तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। जो दोस्तों आगे की वीडियो है वो हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो रिजल्ट है वो क्लियर नहीं आते। तो सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। देखिए इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग के अंदर हमने इसको कर रखा है एनेबल, ठीक है। अब हम एक वीडियो प्ले करके देखते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पर HD वीडियो सॉन्ग। मैं दोस्तों इसको ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट का कुछ इश्यू आ सकता है, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो 1080p पे प्ले की है, और अभी देखिए मैं आपको वो बता देता हूँ परफॉर्मेंस पे क्या। टास्क मैनेजर ओपन करके देख लेते हैं परफॉर्मेंस। तो देखिए जो CPU है उस पे लोड आ रहा है 26%, 29, 25, 24, 20, देखिए कम से कम 20, 21, और ग्राफिक कार्ड लोड आ रहा है 14, 15, 17, 16, 15, 17, 24, 16, इतना लोडिंग आ रहा है। चलिए अब हम इस ऑप्शन को डिसेबल करके देखते हैं उसके बाद में कितना फर्क आता है। तो ये देखिए ये ऑप्शन है दोस्तों, यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन विन अवेलेबल, इसको डिसेबल करते हैं और ये लिखा हुआ रीलॉन्च, यानी इसको वापस ऑन ऑफ करना है। तो अभी देखिए हम इस वीडियो प्ले करके देखते हैं। अभी देखिए CPU कितना लोड आ रहा है, 51, 38, 48, 63, 57, 62, 36, 27, 46, 42, 35, और GPU पे भी देखिए दोस्तों 18, 16, 17 आ रहा है। CPU पे भी लोड ज़्यादा आ रहा है, GPU पे लोड ज़्यादा आ रहा है, यानी दोनों को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ ही होंगे दोस्तों इसको अनेबल करने से फ़ायदा है। कुछ लोग ये बोलते हैं ये बैटरी ज़्यादा खाता है लैपटॉप के अंदर, मुझे इसके बारे में दोस्तों एक्यूरेट नॉलेज नहीं है, लेकिन डेस्कटॉप के अंदर आपको इशू नहीं है, आप अनेबल कर लीजिए। अगर आपके पास एक ग्राफिक कार्ड है, वो ग्राफिक कार्ड नहीं है तो अनेबल मत कीजिए, वरना यह आपका जो CPU इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, जो HD ग्राफिक है आपके वो इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास डेडिकेट GPU या APU भी है राइजन का, तो भी आप इसको एनेबल कर लीजिए,
ये अच्छे रिजल्ट देगा और अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।